अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ENN न्यूज़ चैनल। खबर शामिल करेंगे नवाज़ अहमद, ENN नुमाइंदा की। पाकिस्तान की आवाम, मैं नवाज़ अहमद ENN न्यूज़ चैनल की जानिब से आज का दिन आपको दिखाएंगे। हम आए हैं बाबा शहबाज़ कलंदर के चिले पर, जो मज़ार हैं उनके साथ ही उनके मुरीद शागिर्द हैं, जो हज़रत सैयद शेर शाह बाबाएँ सरकार। और इसमें हम आपको दिखाएंगे इसमें मज़ार में, और लोगों से बातचीत करेंगे कि दुआ के लिए जो आते हैं, और जितने भी यहाँ पे जो सरकार के जितने भी मुरीद हैं वो यहाँ पे, जितने भी आशिक हैं यहाँ पे, वो हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं यहाँ पे लाल शहबाज़ कलंदर के चिले की तरफ। तो चलेंगे आप, देख सकते हैं हम बाबा लाल शहबाज़ कलंदर के चिले की तरफ आ रहे हैं, और वहाँ पे अंदर कब्र है। वहाँ हम आपको एक बाबा से मिलाएंगे, बात करवाएंगे। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है सर? खैरियत से ठीक है। और क्या नाम है सर आपका? नासिर। तो आप यहाँ से कब से हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो मेरे को हो रहा है 15 साल तो ऐसे ही हो रहा है माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। इससे पहले मेरा वाले साहब थे कालू खलीफा, माशा नाम है माशाल्लाह जी। ये है मजर लाल शाहबाज कलंदर का चिल्ला, सही है। जिसके साथ जाना नहीं होता है दरबार में तो चिल्ले में आ जाता है, जो गरीब बंदा है। जिसके पास है तो जारन में चला जाता है, जिसके पास नहीं है तो चिल्ले में हाजिर हो जाते हैं। और सामने सैयद शेरशाह बाबा का मज़ार है। तो ये जो सामने सैयद शेरशाह बाबा हैं, इनकी क्या हकीकत है लाल शहबाज़ कलंदर से, और ये किस तरह दूसरे जो है उनके बाबा का मज़ार बन चुका है यहाँ पे? ये बाबा का है, लाल शहबाज़ कलंदर बाबा का है। पहले मुरीद होता था यहाँ पे, किस्मतगार इसने किस्मत कर कर के, फिर बाबा ने खुद अपने मुँह से बोला है सैयद शेरशाह बाबा ने, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मुझे वहीं पे दफन देना जो 40 कदमों में बाबा लाल शाहबाज़ कलंदर के। तो अभी उसके भी दरबार है। तो ये आप देख सकते हैं हम लाल शाहबाज़ कलंदर साहब के इधर मज़ार पे इधर खड़े हैं, उनकी कब्र पर खड़े हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाई जाए। तो चलते हैं हम सैयद हज़रत पीर शेर शाह बाबा की तरफ, जो इनके मुरीद हैं। तो ये भाई हमारे साथ चलेंगे। चलिए, पहले शेर शाह यानी कब्ज़े में थी ये जगह, जब आप हयात थे, ठीक है ना, ज़हूर के ज़माने में जब आप ज़ाहिर थे, उस ज़माने में भी ये जगह जो है ना शेरशाह के अंडर में थी पूरी, घुमा दो कैमरा। हाँ, फिर जो है ना इनके इनके जो सज्जादा नशीन हैं सैयद कासिम अली शाह, शेरशाह में रहते हैं, उन्होंने फिर जो है ना इस जगह की हदबंदी की, और पत्थरों की जो है ना वो बुनियाद डलवा दिया। वो ये है, आज हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पर। ये बुनियाद बुनियाद की बन, ये बुनियाद है, ये तकरीबन 35-40 साल पहले की बुनियाद है ये, ठीक है ना। ये तकरीबन 35-40 साल पहले ये बुनियाद डाल दी गई थी। ये फिर जो है ना अभी हाल ही में हम इसको बनाना चाह रहे थे, इस दीवार को थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हमने बोला सिर्फ ये कचरा जो है ना ये कंट्रोल हो जाए, ये दरगाह की तरफ ना आए, इधर हम दीवार बनाना चाहते थे। लेकिन इसी दौरान में चंद लैंड माफिया के लोग जो हैं ना, वो उनकी नीयत ये थी कि हम क्यों ना हम इस जगह को कब्ज़ा करके बेचना नहीं, तो उन्होंने कब्रिस्तान की जगह का बहाना बना करके, कब्रिस्तान की जगह का जवाज़ बना करके उन्होंने जो है ये दीवार तोड़ दी, ये दीवार जो है ना तोड़ दी उन्होंने। और मेरा बेटा बैठा हुआ था यहाँ मिस्त्रियों के पास, बनाने वालों के पास,
वो उनकी उनका वीडियो बना रहा था, उसके मोबाइल को भी उन्होंने मार, उसको लात मार दिया, मोबाइल भी गिर गया, उसका स्क्रीन टूट गया मोबाइल का। अभी जैसे बाबा ने हमें बताया कि जगह हमारे हज़रत लाल शबाज़ कलंदर बाबा की जगह है, यहाँ पर कचरा किया जाता है और यहाँ पे जो माफिया लैंड के लोग हैं वो कब्रिस्तान के नाम पर जूठा करके इस जगह को उन्होंने तामीर करने से रोका गया है। हालांकि ये जो जगह है ये मज़ार की है, यहाँ पर भी कुछ कब्रें बने, इसको भी सही किया जाए, लेकिन सफाई का ख्याल तो तब होना कि यहाँ की माफिया यहाँ के लोगों को काम करने दे। जो अच्छाई के काम कर रहा होता है वहाँ पे यहाँ की जो माफिया है वो उनके नुकसान, गरीबों को मारना और उनको नुकसान चाहती है, वो यहाँ पर नहीं चाहती कि यहाँ पर कब्रिस्तान बने, लोगों के लिए कोई मुफीद जगह है नहीं। उन्होंने यहाँ कचरे के नाम पे कचरा करके इस जगह को कब्जा करना चाह रहे हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, असल में